मंडे आप लोगों को वनीला केक बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। उसके लिए सामग्री इस प्रकार है। तो उसके लिए सामग्री मैंने इस प्रकार ली है कि ये 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और 1 स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और ये विदाउट साल्ट मैंने बटर लिया है और मैंने 1/2 कप शुगर ली है जो कि पिसी हुई है। और चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं इसमें बटर डालने हैं। इसमें मैं 7 ड्रॉप वनीला एसेंस, 1/2 कप। अब ये जो मैदा है इसमें 1 स्पून बेकिंग पाउडर मैंने रखा है, इसमें ये 1 स्पून है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये अच्छे से इसमें मैंने बेकिंग पाउडर मिक्स कर लिया है। अब आप इसमें जो है मैदा को डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करिए इसको। अब ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क डालूंगी, धीरे धीरे उसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और जरूरत है, थोड़ा सा मिल्क और डालते हैं। बहुत जल्दी बन जाएगा। घर के नाश्ते का तो कुछ अपना अलग ही मजा है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है। अब चलिए मैं उसके बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, साइड में भी लगा लेना है जिसमें चिपकेगा नहीं। ये देखिए, मैंने सब तरफ लगा लिया है, बीच में भी अच्छे से लगा दिया। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैदा डाल दीजिए जिससे पलटने में इजी हो जाएगा। इसको इस बर्तन में पलट देंगे। माइक्रोवेव को प्रीहीट के लिए 180 सेल्सियस डिग्री में प्रीहीट के लिए छोड़ना है। अच्छे से इसको कर लेना है और बबल्स ना पड़े इसके लिए उसको आपको थोड़ा सा ऐसे करना है। अब ये देखिए, मैंने सेट कर दिया है। अब ये मैंने 6 काजू 6 बादाम करे हैं ड्राई फ्रूट्स। आप इसमें कुछ भी डाल सकती हैं, इच्छा हो डालिए, नहीं तो ना डालिए, जैसे भी आपका है पसंद हो। ऊपर से मैंने डाला है। अब ये मेरा तैयार है माइक्रोवेव में रखने के लिए। अभी देखिए, मैं रखने जा रही हूँ। ये 35 मिनट्स के लिए रखेंगे।
मैंने प्री हीट करके छोड़ा है, 35 मिनट के बाद इसको निकालना है। फिर चलिए अब देखते हैं कि केक बन के तैयार हुआ। तो ये देखिए केक मेरा, जैसा कि मैंने 35 मिनट के लिए रखा था, लेकिन आप लोग क्या करिए, 35 मिनट के बाद आप बीच में ऐसे करके देखिए, आप देखिए चाकू में कुछ भी नहीं लगा, इसके मतलब हो गया है। तो ये मुझको 45 टोटल मिनट्स 45 लगे हैं, तो देखिए कितना बढ़िया। तो चलो ये फिर इसको, ये देखिए मेरा वनीला केक बनकर तैयार हो गया है। कितना स्पंजी, ये देखिए इतना स्पंजी, देखने में ही बहुत टेस्टी और खाने में तो और अलग से मजा। देखते हैं जरा से, बहुत ही टेस्टी। आप लोग इस पे घर को जरूर घर पर बना के देखिएगा, ट्राई करेगा। हाँ एक बात ना भूलिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे कमेंट लिखिएगा आपको